यस स्टूडेंट्स, लेसन टू नेल्सन मंडेला, ये लेसन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो नेल्सन मंडेला जी है, ये इनको इन्होंने ये लेसन लिखा है, जिसके राइटर है। चलिए शुरू करते हैं समरी। नेल्सन मंडेला द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जो थे वो प्रथम साउथ अफ्रीका के प्रथम काले रंग के राष्ट्रपति थे। फोर्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, जिन्होंने अपने लोगों के लिए अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा में ही डिस्क्राइब्स, वे वर्णन करते हैं इन डिटेल्स, विस्तार से, द पेंस ही हैड टू सफर फ्रॉम द टाइम। द पेंस, उस दर्द का वर्णन करते हैं, ही हैड टू सफर, जो उसने सफ़र किया, जो उसने सहा, फ्रॉम द टाइम, उस समय से, व्हेन ही वाज यंग, जब वह छोटा था। ही वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाई द वाइट्स एलोंग विद अदर ब्लैक पीपल, मीन्स ही वाज डिस्क्रिमिनेटेड, उसके साथ भेदभाव किया जाता था, अगेंस्ट बाई द वाइट्स, यानी गोरे लोगों के विरुद्ध, गोरे लोगों की तुलना में, विद अदर ब्लैक पीपल, दूसरे काले लोगों के साथ। ही वाज एन एंथुसियास्टिक यंग बॉय, वह एक उत्साही यंग बॉय था, युवक था, हु कंसिडर्ड, जिसने यह मान लिया था, स्टेइंग अवे, दूर रहना, फ्रॉम हिज होम, अपने घर से, टू गेट फ्रीडम, आज़ादी पाने के लिए, जिसने दूर रहने के लिए ठान लिया था। ही वॉन्टेड टू मैरी द पर्सन ऑफ हिज चॉइस, वह अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना चाहता था, बट परंतु ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट फ्रीडम इज मोर मीनिंगफुल, कि उसने यह महसूस किया कि जो आज़ादी है वो अधिक सार्थक है, अधिक ज़्यादा उपयुक्त है, कि पहले आज़ादी चाहिए। ही डिसाइडेड टू ब्रिंग फ्रीडम फॉर हिज ऑन पीपल, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू ब्रिंग फ्रीडम, आज़ादी लाने का, अपने लोगों के लिए। ऑन 10th May 1994 ही वॉज एबल टू मेटरलाइज हिज ड्रीम्स, लॉन्ग कैरिस्ड बाई द ब्लैक पीपल हु सेक्रीफाइस्ड देयर लिव्स टू गिव डिग्निटी टू देयर कमिंग जनरेशन। 10 May 1994 में ही वॉज एबल, वह सफल हुआ टू मेटरलाइज, मीन्स अमल करने में, हिज फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए, लॉन्ग कैरिस्ड, जिसने लंबे समय से, जो लोग लंबे समय से उसको प्रिय थे, बाई द ब्लैक पीपल, काले लोगों के द्वारा, हु सेक्रीफाइस्ड, जिन्होंने बलिदान दिया, देयर लिव्स, अपने जीवन का, टू गिव डिग्निटी, मीन्स गौरव देने के लिए, टू देयर कमिंग जनरेशन, अपने आने वाली पीढ़ी को। ही गिव्स टू कॉन्ट्रेडिक्ट्री पिक्चर्स ऑफ हिज कंट्री, ही गिव्स, वह देते हैं, टू कॉन्ट्रेडिक्ट्री पिक्चर्स ऑफ हिज कंट्री, वे अपने देश की दो असंगत तस्वीरों को सामने रखते हैं। वन, एक इन विच द ब्लैक पीपल वर टॉर्चर्ड, एक तो वह तस्वीर जिसमें काले लोगों को कष्ट दिया जाता था, एंड हैड टू सफ़र क्वाइटली, और उन्हें शांतिपूर्वक सहन करना पड़ता था। सेकेंड, दूसरी तस्वीर, वैन द ब्लैक्स विल बी फ्री टू लीव ए लाइफ ऑफ देयर ऑन, जब ये ब्लैक पीपल थे, ये अपना जीवन जीने के लिए आज़ाद हो गए थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, इस उद्धरण के अंदर, मंडेला स्पीक्स, मंडेला बताते हैं अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेशन, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में, द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के बारे में। तो ये इस लेसन का समरी थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप लिखिए, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले दिए जा चुके हैं, और कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू।